कीमतों में पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि 2022-23 सीजन के लिए सितंबर तक भारत की घरेलू कपास मांग लगभग 18 लाख गांठ कम होकर 300 लाख गांठ पर पहुंच चुकी है, यानी पिछले साल की 318 लाख गांठ से करीब 6% कम है। पंजाब मंडी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार कपास की फसल ने पिछले 5 वर्षों में सबसे धीमी आवक देखी है, जबकि औसत दर 2018 के बाद से सबसे अधिक है। पंजाब में 2021 में उत्पादित 29 लाख क्विंटल के मुकाबले 20 लाख क्विंटल उत्पादन होने की उम्मीद है। वहीं चीन के कृषि मंत्रालय ने कपास की खपत के लिए अपने दृष्टिकोण को कम कर दिया है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक विकास धीमा होने से वस्त्रों की मांग में गिरावट जारी है। मंत्रालय ने अपनी मासिक चीनी कृषि आपूर्ति और मांग अनुमान यानी CSDA की रिपोर्ट में कहा है कि सितंबर में शुरू हुए 2022-23 फसल वर्ष में चीन की कपास की खपत 7.5 मिलियन टन देखी गई है, जो कि पिछले महीने के पूर्वानुमान की तुलना में 2 लाख टन कम है। 2022-23 के लिए नवीनतम अमेरिकी कृषि विभाग के कपास अनुमानों ने विश्व कपास उत्पादन के लिए 2021-22 से मामूली वृद्धि और 2022-23 के लिए कम वैश्विक मांग अनुमानों का संकेत दिया है। कपास के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका में उत्पादन लगभग 1.5% अधिक देखा गया है, जो 14 मिलियन गांठ था, क्योंकि दक्षिण पश्चिम में कमी कहीं और बढ़ने से ऑफसेट से अधिक है। हाजिर बाजार में कॉटन में 190 रुपए की तेजी के साथ फिलहाल 32,000 के आसपास कारोबार देखने को मिला है। ऐसे में बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि अभी फिलहाल कपास की कीमतों में ना तो बहुत ज्यादा मंदी की उम्मीद है और ना ही बहुत ज्यादा ऊपर जाने की संभावना है। फिलहाल बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।